विश्व में फैली कोरोना महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुट निरपेक्ष देशों की बैठक में शामिल हुए, जहां कोरोना से लड़ने के लिए सभी देशों ने चर्चा की। नॉन अलाइंड मूवमेंट शिखर सम्मेलन की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। NAM के सदस्य देशों के साथ पीएम मोदी की कोरोना के खिलाफ जंग और इससे निपटने के ऊपर चर्चा हुई। अजरबैजान के राष्ट्रपति इलहाम अलीयेव की कोशिशों के बीच इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। वे नॉन अलाइंड मूवमेंट के मौजूदा चेयरमैन हैं। इस सम्मेलन में पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी हिस्सा लिया। गुट निरपेक्ष देशों का ये आंदोलन दुनिया की दशा दिशा तय करने में अपनी प्रभावकारी भूमिका रखता है। कुछ साल पहले इसकी ताकत और भी ज्यादा थी। NAM संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। इसके साथ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 120 विकासशील देश जुड़े हुए हैं। गौरतलब है कि पीएम मोदी इससे पहले कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ कोरोना के मुद्दे पर बातचीत कर चुके हैं। गौरतलब है कि दुनिया भर में कोरोना पीड़ितों की संख्या करीब 35 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि करीब 2.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में अब तक 35,63,689 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया जा चुका है। अब तक 2,48,146 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। अब तक दुनिया भर में कोरोना से ठीक हुए लोगों की संख्या 11,53,253 है। अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देश है। अमेरिका में कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद 12 लाख के करीब पहुंच चुकी है। वहीं 68,598 मौतें अमेरिका में कोरोना से हुई हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट दुनिया तक।